गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप लोग। तो जी मॉर्निंग तो मेरे ख्याल तो काफ़ी देर हो गई है, हो चुकी है जी। नाश्ता वाश्ता भी हो चुका जी, बच्चे बस अभी उठे हैं, नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं। मासी भी अभी आई है, काम कर रही है, और मैं लगूंगी अब अपने काम पर। और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये कल गए थे कल इवेंट में, वहाँ से इनको अवार्ड भी मिला है, गिफ्ट भी मिले हैं, तो वो आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है जी। पहले वो दिखाऊंगी, उसके बाद फिर मैं काम पे लगूंगी, ठीक है जी। तो चलते हैं जी काम की तरफ, काम करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। आज मुझे मशीन भी लगानी थी, कपड़े धोने थे, लेकिन फिर सोचा नहीं यार कल लगाते हैं जी, आज रेस्ट करते हैं, कल लगा दें मशीन, कल कपड़े धोएंगे, क्योंकि अभी फिर मेहमान भी कुछ आने वाले हैं गाँव से, तो वो भी अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी कौन आ रहा है। तो इसलिए जो है उससे पहले मैंने कपड़े शपड़े धो के काम ख़त्म कर देने हैं, फिर तो घूमेंगे फिरेंगे ज़्यादा मेहमानों के साथ हम लोग, और फिर काम भी ज़्यादा होता है घर में मेहमान होते हैं, तो इसलिए जो है वो जल्दी से फिर काम अपने हिस्से के ख़त्म करने होंगे कपड़े में धो के। तो कल इंशाल्लाह मशीन लगाऊँगी, कपड़े धोऊँगी, ठीक है जी। चलते हैं जी, पहले आप लोगों को दिखाती हूँ जी गिफ्ट्स और अवार्ड इनको जो मिला कल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गुड़िया, गुड़िया से आज स्टार्टिंग लेते हैं। गुड़िया की सुबह हो चुकी है भाई, कितने साढ़े बारह बजे है जी, नज़र आ रहे हैं, गरीबी तो ऐसी है ना माशाल्लाह। साढ़े बारह बजे हैं और गुड़िया जो है वो अभी उठी है, कार्टून देख रही है सुबह उठते ही, ये देखें उठते कार्टून देख रही है। और अभी ये क्या है गुड़िया, ये क्या है? ये मेरा अब्बू का इवेंट। हाँ जी, अब्बू गए थे इवेंट में, और इवेंट में अब्बू को अवार्ड मिला, वो दिखाते हैं, है ना। क्या क्या है दिखाना जरा। सबसे पहले जो है सबसे पहले ये बुक है, डायरी है। खोले? नहीं हम खोलते नहीं है, ये सिर्फ डायरी है, डायरी। और अभी गुड़िया निकालो दूसरी चीजें, उनके ये हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, हाँ ये सब इनके हैं, ये हमारे काम के नहीं हैं, ठीक है जी, ये हमारे काम के नहीं हैं, आप दूसरी चीज़ें निकालें। मैन अवार्ड तो दिखा दो। हाँ जी, हाँ ये है जी कार्ड, ठीक है जी। चलो गुड़िया अब ये हो गया, कार्ड दिखा दिया हमने। हाँ जी ये राजी, एक मिनट हाँ जी, तो ये रहा जी अवार्ड इनका, अभी खोल के भी दिखाते हैं आप लोगों को। ऐसा लग रहा है पहले तो लेकर आए, तो मैं समझी शायद मेरे लिए गोल्ड का सेट लेके आ गए, ज्वेलरी सेट लेके आ गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। खैर मुझे भी ऐसा लगा था। हाँ तो अभी इसकी हम करते हैं ओपनिंग। ये रहा गिफ्ट, गिफ्ट नहीं भाई अवार्ड है, ये शीशे का है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से इसमें नज़र नहीं आएगा, निकाल के दिखाना पड़ेगा गुड़िया। वेट, शीशे का है बेटा। हाँ जी, तो ये रहा जी अवार्ड, ये देखें जी। इसके साथ एक और गिफ्ट भी मिला है, वो भी दिखाते हैं बाद में, लेकिन अभी ये दिखा दें, ये हैं कॉन्टिनेंटल गिलास है। तो ये राजी इनका अवार्ड, वेट आप हट। हाँ जी, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये राजी इनका अवार्ड माशाल्लाह से, ठीक है जी। अभी रखते हैं वापस। हाँ जी, तो ये राजी, ठीक है जी, अभी बंद करते हैं। बंद करो गुड़िया, ये हो गया जी बंद। तो जी ये रहा जी गिफ्ट, और एक और गिफ्ट दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये रहा जी दूसरा गिफ्ट, और ये दूसरा गिफ्ट ओपन करेंगी सुहाई, पहले गुड़िया ने किया, अभी सुहाई की बारी है जी। हाँ जी, तो ये रहा जी दूसरा गिफ्ट जो उसके साथ आया था अवार्ड के साथ, ये रहा जी कप, ठीक है जी। तो ये जी कप, और कितना माशाल्लाह खूबसूरत है, कलर देखें कितना प्यारा है, मुझे तो सबसे ज़्यादा कलर इसका अच्छा लगा जी माशाल्लाह से, और है भी बिल्कुल लाइट वेट। बिल्कुल लाइट वेट है,
जी इसमें मैं जो है ना चाय पीऊँगी, मैं सोच रही हूँ इसको निकाल देती हूँ ना, अक्सर मैं जमा करती हूँ कप्स तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन इसका कलर मुझे पसंद आया है तो इसको मैं निकाल लेती हूँ अपने चाय के लिए। जिसको ये भी रखें इसको अंदर, बाद में निकालेंगे, फिलहाल तो उसको वापस पैक करते हैं। ठीक है जी, जो गिफ्ट्स मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है उसमें ये पेन दिखा, पेन क्या पेंटम है, हाँ जी ये भी गिफ्ट मिला है। ठीक है जी, पेन भी उसके साथ था, हर चीज़ रेड है इनकी माशाल्लाह से, कलर बड़ा खूबसूरत है। जी मासी कर रही है काम, मासी काम करके जाएगी उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी, फिर देखना है आज क्या पकाना है जी, तो पकाने के लिए मैं फिर जाती हूँ किचन में। मासी ने झाड़ू निकाल दी है, पोछा लगा रही हैं, बर्तन धो के आ चुकी हैं, सुहाई मासी की हेल्प करती हैं, डाइनिंग वाइनिंग के कुर्से निकालती हैं, लगाती हैं, करती हैं, जो भी ऊपर का काम जो है वो सुहाई करती हैं। सुहाई के अभी पेपर चल रहे हैं तो अभी आई है, और फिर अभी मासी के साथ थोड़ा लग गई है काम में। मैं जा रही हूँ जी किचन की तरफ, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से किचन में। हमने सरदा काट लिया, सरदा या गर्मा लग रहा है, बस मीठा निकले, जूसी तो लग रहा है और जूसी मीठा होता है, उधर धीरे चीख रहा है। हेलो गाइस, तो अभी मैं काट रही हूँ जी सरदा गर्मा, इसको सरदा भी कहते हैं गर्मा भी कहते हैं, पहले भी ये बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। तो ये मैंने कटिंग कर लिया, ये इनके ऑफिस भेज रही हूँ। ठीक है जी, इन्होंने मंगाया है ऑफिस में खाने के लिए, तो अभी हम आज लेकर जाएगा। भाई बारबेक्यू का व्लॉग तो बनाना ना, पिछले साल ने बनाया था, पिछले साल बनाया था ना व्लॉग, हाँ पिछले साल ने बारबेक्यू करा था, तो हमारी दूसरी खाला आई थी, इस बार खाला आ रही है, लेकिन बारबेक्यू का हम लोग को जम्मी बोल दिए सामान नहीं, गोश्त वगैरह नहीं, खत्म हो गया सामान, मतलब कि कोई गोश्त नहीं है, तो देखते हैं हम तो गोश्त करें गर्म कर लेते ना यार, या थोड़ा निकालो बारबेक्यू करें, खाला आ रही मज़ा आएगा शुक्र लगे यार, कोई बड़े बड़े का निकालने, बड़े का गोश्त बोलते हैं मजाक है यार, बकराईद आती है इसलिए ताकि हम बारबेक्यू खाएं, मैं बोले बारबेक्यू नहीं बनेगा, चलो छोड़ो अभी हम सदा लेकर ऑफिस जाते हैं। आओ आओ ये रहा, ये आता है, नो 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 नो, ये नहीं है क्या ये, ओ माय गॉड, सर सर कैमरा बंद करें, मैं कह रहा पहले इनकी चाट लेके जा बे टेंशन कर, फट जा रहे हो, नहीं ये लो जी। तो अभी मैंने ये जो है पालक धो ली है, ये काट के धो के रख दी है, अभी मैं इसको शॉपर में भर के फ्रीज़र में रखूँगी, कल मैं इम्तियाज से लाई थी तो अभी सोचा कि काट के इसको फ्रीज कर दूँ, काट के धो लिए, तीन चार पानी से मैंने अच्छे से इसको धो के मिट्टी विट्टी निकाल ली है, अभी मैं इसको फ्रीज करूँगी। और मैंने ये अदरक लहसुन भी काट के रख दिया है, ये भी अभी पीस लूँगी। ठीक है जी, इम्तियाज से ही सारी चीज़ें मैं लाई थी, अब एक ही मैं घंटे लगा दीजिए, पूरे 5-15 मिनट। लो भाई इतने मजे मजे से खाइए, कैसे चलेगा, चलो चलो जल्दी जल्दी, देना देना पापा मैंने कैसे खाए, बच्चे है बच्चे नहीं है, अबे रोन आ गया।
रहे हैं तो 50 सेकंड लगा दिए। बोना था मैं हो गया यार, मेरा मुंह पूरा नहीं होता, मेरे मुंह में एक पूरा हो गया। हां बाबा, अभी तो एक पूरा हुआ है। हां दो बस, एक मिनट होने वाला था, जल्दी जल्दी एक हाथ में ले लो। हो गया एक मिनट अभी तक नहीं आया। अबे हमारे में टाइम आया, जल्दी नहीं भाग रहा था। तो जी हम आ चुके हैं जी किचन में और अभी हम बना रहे हैं जी डिनर में। आज हम बनाएंगे जी टिंडे का सालन बनाऊंगी लहसुन वाला, और उसके अलावा मैं बना रही हूँ जी ब्रेन मसाला। ये बकरे का ब्रेन है, ठीक है जी, बकरे का ब्रेन है और बकरे का ब्रेन मसाला बना रहे हैं और टिंडे का सालन बनाएंगे लहसुन वाला। तो करते हैं जी काम शुरू, दिखाते हैं आप लोगों को ब्रेन मसाला कैसे। ये बॉईल करने के लिए रख दिया है जी। तो जी ये मैंने बॉईल करने रख दिया था, थोड़ा सा पानी डाल के उसके साथ थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, तो ये बॉईल करने रख दिया था ब्रेन। और इसका भी ये पानी निकाल लेते हैं सारा, उसके बाद थोड़ा सा और ठंडे पानी से इसको वॉश कर लेंगे। नल वाला पानी, ठंडा नहीं, मतलब नॉर्मल जो नल में होता है पानी, तो उस पानी से थोड़ा सा और इसको वॉश करके फिर रख देंगे। उसके बाद फिर हम इसका बनाएंगे मसाला। बस थोड़ा सा ही बनता है ये, इतना सा तो होता है बकरे का ब्रेन, तो थोड़ा सा ही मसाला बनाऊँगी। एक प्याज, एक टमाटर, एक मतलब एक एक चीज़ें काफ़ी हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है ब्रेन का, इसका बकरे का ब्रेन। हाँ ये गाय वाय का ब्रेन जो होता है वो उसमें थोड़ा अच्छा खासा होता है। ये तो जी अभी मैंने पैन रख दिया है जी गरम करने, उसमें मैंने ऑयल थोड़ा सा डाल दिया है, और बहुत ज़्यादा नहीं डाला, 3-4 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा और साबुत काली मिर्च डाल रही हूँ, ठीक है जी। जैसे ही ज़ीरा अभी गरम होता है, ये देखें जी एक टमाटर है, उसमें 2 हरी मिर्च मैंने काटी हैं, ये हरा धनिया हरी मिर्च है, एक प्याज, ठीक है जी। उसके अलावा मैं नमक इसमें ऐड करूँगी, और मसालों में मैं इसमें ऐड करूँगी जी लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी और धनिया पाउडर, ठीक है जी। और उस अभी मैं प्याज पहले ब्राउन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी के मसाले जो डालेंगे वो भी आपको बताती हूँ। तो ये प्याज ब्राउन हो जाए उसके बाद फिर मैं इसमें चीज़ें सारी ऐड करूँगी। उसके अलावा अदरक लहसुन भी थोड़ा सा मुझे चाहिए होगा। Thank you.
तो जी ब्रेन मसाला हमारा हो गया है रेडी, और उसके साथ मैंने टिंडे बनाए थे। टिंडे की रेसिपी आप लोगों को नहीं दिखाई मैंने, ठीक है जी। डिनर लग चुका है, हम करते हैं डिनर और आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।